नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी एक नई सीख के साथ मैं आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक ऐसी कहानी जो ये सिखाती है कि सबकी सुनोगे तो मंजिल पीछे छूट जाएगी। ये कहानी है एक मकड़ी की। एक मकड़ी थी, उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियाँ फंसेगी और मैं इसे आहार बनाऊंगी और मज़े से रहूंगी। उसने कमरे के कोने को पसंद किया और वहाँ जाला बनाना शुरू किया। कुछ देर बाद आधा जाला बनकर तैयार हुआ था। यह देखकर मकड़ी काफ़ी खुश हुई। तभी अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया और वह बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो? तब बिल्ली ने जवाब दिया, हंसू नहीं तो क्या करूं? यहाँ मक्खियाँ नहीं है, ये जगह एकदम साफ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में फंसने? ये बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उसने उसमें जाला बनाना शुरू किया। कुछ देर तक वह जाला बनाते रही। तभी एक चिड़िया आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ़ है, मकड़ी ने पूछा। क्यों? चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवाएं चलती है, यहाँ तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात भी सही लगी। वह वहाँ भी जाला अधूरा बनाकर सोचने लगी कि अब जाला कहाँ बनाया जाए। समय काफ़ी हो चुका था, अब उसे भूख भी लगी थी। अब उसे अलमारी का खुला दरवाज़ा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरी नज़रों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्या देख रहा है? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ चली आई, ये तो बेकार की अलमारी है, ये अभी यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। यह सुनकर भी मकड़ी ने वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफ़ी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत नहीं बची थी। भूख की वजह से वह परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि काश पहले वाली जगह पर अगर जाले को पूरा किया जाता तो इस तरह पछताना नहीं पड़ता और ना मेरी ये हालत होती। वह उसी हालत में वहीं पर पड़ी रही। जब मकड़ी को लगा कि कुछ नहीं हो सकता तो उसने अपने पास से गुजर रही चींटियों से मदद की आग्रह किया। चींटी बोली, बहुत देर से मैं तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर अधूरा छोड़ देते, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और इतना कहकर चींटी अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताते हुए वही गंभीर स्थिति में पड़ी रही। दोस्तों, कहानी के पात्र को सिर्फ कहानी बनाने के लिए लिया है, लेकिन वास्तविकता यही है। हर किसी के साथ कभी ना कभी होता है, वह एक रास्ता चुनता है, अपनी मंजिल अपने सपने देखता है और उसे पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा देता है, लेकिन रास्ते में हजारों लोग उसे गिराने, रोकने और उस पर हंसने आते हैं। अगर किसी के कहने पर आप अपना काम अधूरा छोड़ते हो तो आपकी हालत भी मकड़ी के जैसे ही होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर किसी मंजिल को चुना है और किसी के बुरा कहने से आप अपना रास्ता छोड़ते हो तो ये सपना तुम्हारा कभी था ही नहीं। अपनी मंजिल अपना रास्ता खुद बनाओ और बोलने वालों से परेशान नहीं होना। सिर्फ इतना कहना, मेरा जवाब मेरी मंजिल देगी, सलाह लेकर उस पर अमल किए बिना अपने काम को रोक देना या उसे छोड़ देना सबसे बड़ी मूर्खता है। अपने आप पर विश्वास जरूरी है। अगर कोई तुमसे ये कहे कि तुझसे नहीं होगा तो क्या आप मान लोगे? क्या वो व्यक्ति आपको उससे ज़्यादा जानता है? उसका नज़रिया आपके प्रति सिर्फ इसलिए ऐसा है क्योंकि वह यह कहना चाहता है कि वो नहीं कर पाया तो आप नहीं कर पाओगे। दोस्तों, सपने तुम्हारे हैं, रास्ता भी तुम्हारा होगा और हौसला भी तुम्हारा चाहिए मंजिल को पाने के लिए। मंजिल दूर नहीं है चलने वालों के लिए, लोगों का काम ही है कहना। सिर्फ एक बात मेरी याद रखना, रुकती नहीं किसी के लिए मौजे ज़िंदगी, रुकती नहीं किसी के लिए मौजे ज़िंदगी। मौजे मतलब मौज, मस्ती। धारे से जो हटे वो किनारे पर आ गए, धारे से जो हटे वो किनारे पर आ गए। धार मतलब की धारा जिसमें आप बह रहे हो, जो आप अपनी मंजिल के लिए मेहनत कर रहे हो, उससे हटना नहीं, उससे हटे तो वापस आप अपने किनारे पर आ जाओगे। एक और बात, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, बसरते चमकेगा वही जो घिसेगा। दोस्तों, एक बार फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नई कहानी के साथ। के हर दो दिन में मेरे इस YouTube चैनल पर एक नई कहानी आप लोगों के लिए, जैसे आप अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए कुछ हद तक अपने आप को संभाल सके। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू फ्रेंड्स।